अस्सलाम अल्लाम आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शायान मैथमेटिक्स ऑलरेडी हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है इसमें हमें बताया गया है कि हमारे पास इस वैल्यूज को लेट करना होता है वायर वाई केयर में ठीक है एक्सरसाइज़ वन पॉइंट थ्री है इसका क्वेश्चन नंबर सिक्स कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर फाइव बिल्कुल ईजी है वो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस में करना है नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन नंबर फ़ोर आप लोगों को सॉल्व करवा दिया था बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स भी बहुत ईजी है एंड इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आप लोगों को बताती हूँ ठीक है इसका तरीका इसको सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और नीचे दिए गए बिल आइकन के बटन को भी दबाइएगा और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा कोई आ, मसला वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेजेस कर सकते हैं तो इसके हवाले से नेक्स्ट हम स्टार्ट कह रहे हैं हमारे पास ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख लिया है ठीक है ना क्वेश्चन नंबर सिक्स के टू एक्स स्क्र प्लस वन एन टू प्लस थ्री ओवर टू एक्स स्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू फोर ठीक है अब सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं हमसे कह रहे हैं कि हमने फॉर एक्जाम्पल पहले हमें ये एज इट इज़ वैल्यूज लिख रही टू एक्स स्केर प्लस वन एम टू प्लस यहाँ पे प्लस थ्री ओवर टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फोर ठीक है ये मैंने सारा लिख लिया तो नेक्स्ट देखिए मैंने मैंने लेट किया लेट सपोज ठीक है सपोज टू एक्स केयर प्लस वन इज इक्वल टू वाई के दो एक्स की पावर दो प्लस वन इज इक्वल टू किसके हैं वाई के इक्वल है ठीक है ना तो एस टीस हमने यहाँ पे ये वैल्यू देखनी है यहाँ पे अब जहाँ पे ये वैल्यू आएगी तो हमने वाई को पुट अप कर देना है इस क्वेश्चन में देखें ये वाली वेलो हमने वाई की पुट किया ये भी वाई तो यहाँ पे लिखेंगे वाई प्लस थ्री ओवर वाई इजल टू फोर अब हमने हमें पता चल रहा है कि आप हो रहे हैं मल्टीप्लाय के बाद ये प्लस होंगे थ्री के साथ अब y एंड y इसका क्या होगा y का स्केयर ठीक है y का स्केयर एंड प्लस हमारे पास आ रहे थ्री इजिक्वल इस टू इसके साथ अगेन हम हमने मल्टीप्लाई करना है एक ये वाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक इसके साथ ठीक है ना तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा फोर वाई ठीक है अब हमने इसको अरेंज कर लेना है आपस में ये वाई स्केयर एंड यहाँ पे ये यह प्लस का यहाँ पे आके माइनस का जो माइनस फोर वाई एंड प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है तो यहाँ पे हमने वाई स्केयर एज इट इज़ लिखना है वाई स्केयर माइनस यहाँ पे आया वाई ठीक है ना अब यहाँ पे मैं कैसे आप लोगप्ल करूँगी यहाँ पे अगर हम प्लस करें तो हमारे पास थ्री आए अगर माइनस एंड ये प्रोसेस करें तो हमारे पास फोर आएगा तो हमारे पास क्या आएगा माइनस वाई एंड माइनस थ्री ठीक है ना थ्री वाई प्लस थ्री इजल टू ज़ीरो आप फैक्ट्रोजिशन फॉर्म में ये लिख लें ठीक है देख भी लें कैसे सॉल्व हो रही है क्योंकि थ्री वन सा ये मैं आप लोगों को बता दूँ थ्री वन सा थ्री ठीक है ना फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं करूँ कि थ्री uh, को हम मल्टीप्लाई करेंगे वन के साथ तो थ्री आएगा ठीक है ना अगर हम वन को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री के साथ तो वन ये माइनस में अगर करेंगे तो हमारे पास वो भी थ्री आएगा माइनस में तो यहाँ पे प्लस माइनस में ठीक है ना तो यहाँ पे हमने एस टीज़ ये वाली वैल्यूज देख लेंगे कि माइनस वन ठीक है ना माइनस थ्री इज इक्वल टू प्लस का फोर ठीक है ना प्लस का नहीं माइनस का फोर माइनस का फोर है एच ट माइनस लगा देना है अगर माइनस वन एंड प्लस थ्री इज इक्ल टू ये टू का टू आएगा ठीक है ना तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ बेस्ट है क्योंकि हमारे पास माइनस फोर वाई आएगी तो यहाँ पे हमने वाई को कॉमन लेना है एंड वाई यहाँ पे माइनस वन एंड माइनस थ्री एंड वाई हमारे पास यहाँ पे एंड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो ठीक है ना वाई माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है एंड वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो इसमें हमने क्या करना है वाई माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो वाई बराबर इक्वल है वन के एंड वाई इक्वल है प्लस थ्री के ठीक है ना ये हमारे पास क्या आ रही है ये इसकी वैल्यूज आ रही है बहुत ही इजी क्वेश्चन था तो हमने यहाँ तक तो इसको सॉल्व कर लिया है ठीक है यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया लेकिन वाई की वैल्यू हमने क्या लेट की थी वाई की वैल्यू जो हमने लेट की थी वो यहाँ पर लिख देंगे वाई की वैल्यू हमने लेट की थी टू एक्स का स्क्वायर एंड प्लस वन ठीक है ना प्लस वन इज इक्वल टू हमारे पास क्या है वन ठीक है इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है

अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है टू एक्स स्क्र प्लस वन इज इक्वल टू थ्री अब ये टू एक्स स्केर यहीं पर खड़ा रहेगा और थ्री हमारे पास ऑलरेडी यहीं पर प्लस का इस साइड आके माइनस में हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा टू एक्स स्केयर इज इक्वल टू टू ठीक है ना टू होगा टू के साथ कैंसिल तो एक्स हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्र इजक्ल टू वन ठीक है तो 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 थीधौर। ना यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपने ये लास्ट तक वीडियो देखनी है इन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हाफिज़